छोड़ दोस्तों, आज फिलहाल इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के तरफ से तीन बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने निकल के आया है। जैसे दोस्तों 5G का प्राइस बहुत ही ड्रॉप होगा, और उसी के साथ साथ दोस्तों इंडिया में ऐसे एक कंपनी आने चला है जो जियो के साथ टिक्का देने में माहिर है, और जियो के साथ वो फाइट करेगा, आगे बढ़ेगा। और भी है दोस्तों बहुत ही टेक न्यूज, आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का, और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हटके जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, पहला न्यूज निकल के आते हैं 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर। हाँ दोस्तों, कह रहे आप जानते हैं जियो और एयरटेल के बीच में एक बहुत ही बढ़िया संघर्ष हो रहा था कि कौन सबसे पहले लेकर आएगा उसका 5G नेटवर्क। लेकिन दोस्तों अभी जियो जो सबसे बढ़िया कंपनी माना जाता है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, वो ही अब 5G डिप्लॉयमेंट करने के लिए पीछे हट रहे आहिस्ते आहिस्ते। और दोस्तों यही न्यूज निकल के आते हैं जियो का नेटवर्क प्रेसिडेंट मैथ्यून ओमेन के तरफ से। हाँ दोस्तों, मैथ्यून ओमेन सर जी ने इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि 5G इंडिया में डिप्लॉय करने के लिए जितना जो कुछ का आवश्यकता है वो तो इंडियन होना चाहिए। और दोस्तों इंडिया में वो प्रोडक्ट अभी बिल्कुल रेटेड फॉर द वेव अभी नहीं है, और दोस्तों वेव रेट भी बहुत ही बढ़िया है। वो ही देखते हुए जियो इस साल तो 5G बिल्कुल लॉन्च नहीं करेगा, वो प्राइस बिल्कुल घटेगा 5G डिप्लॉयमेंट करने के लिए। एयर वेव्स का प्राइस और जो सारा प्रोडक्ट लगेगा उसका प्राइस घटेगा, और जो सारा प्रोडक्ट इंडिया में होगा वो सही है, ठीक ठाक है, तभी जाके जियो स्टूडियो 21 में उसका 5G इंडिया में लेकर आएगा। नहीं तो नहीं जियो का 5G आते आते 2022 या 2023 लग ही जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आते हैं एक ब्रॉडबैंड सेक्टर की तरफ से। हाँ दोस्तों, जियो का ब्रॉडबैंड को बड़ी टक्कर देने के लिए और ऑल ओवर द इंडिया जो सारा ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको सबसे बढ़िया टक्कर देने के लिए इंडिया में आने चला है एक्सिटेल नाम का एक ब्रॉडबैंड कंपनी, जो अभी उम्मीद कर रहे हैं वो देगा ओनली 399 सेक्टर के अंदर ही 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड, उसके साथ साथ ट्रूली अनलिमिटेड। हाँ दोस्तों, ट्रूली अनलिमिटेड होगा। और दोस्तों प्राइस रहेगा ओनली 399 प्लस GST 18%। और उसके साथ साथ दोस्तों एक्सिटेल में अभी आप लॉगिन करने जाओगे, परचेस करने जाओगे, अपना घर में लगाने जाओगे, तो इधर आपको 12 महीने का एडवांस पेमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक्सिटेल ब्रॉडबैंड का फायदा उठा पाओगे। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आता है 5G के ही तरफ से। दोस्तों इधर ये 5G का प्राइस तो ड्रॉप होने ही चला है, और दोस्तों 5G का ड्रॉप प्राइस जो ड्रॉप होगा, प्लान का प्राइस ड्रॉप होगा कि नहीं होगा ये तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन दोस्तों इधर डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राइको यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट करने चला है कि 5G का जो एयर वेव्स का मात्रा है वो अभी भारी पड़ रहा है सबको। हाँ दोस्तों, जियो भी फिलहाल बोल रहे हैं, एयरटेल भी बोल रहा है, और दोस्तों जियो और एयरटेल ये मान रहे हैं कि वोडाफोन आईडिया यानी कि नया वी के पास बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पेक्ट्रम का ऑप्शन है, वो चाहे तो आगे 5G ले सकता है। लेकिन दोस्तों वोडाफोन भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एयर वेव्स का अभी जो प्राइस है वो बहुत ही बढ़िया है, और दोस्तों इतना प्राइस वो हर कोई कंपनी नहीं बेयर कर पाएगा। और दोस्तों इसी के ही चलते डॉट ट्राई को रिक्वेस्ट करने चल रहे प्राइस को हटाने के लिए, तभी जाके 2021 के अंदर ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन आईडिया यानी कि नया वी 5G डिप्लॉय कर पाएगा। इधर दोस्तों अब दीजिए, आपके ख्याल में क्या 5G नेटवर्क 2021 में ही आ जाएगा या आते आते बहुत ही लेट होगा, क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।